सब्सक्राइब करें जे आई ट्यूब चैनल को और दबाएं इस बेल आइकॉन पे सबसे पहले जे आई ट्यूब की न्यू वीडियोस देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जे आई ट्यूब चैनल। आज के समाचार बताने वाला एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि जो कोई भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहा है इंडियन एयरपोर्ट्स पे, इंडिया कंट्री को ट्रैवल कर रहा है, तो उसको मैंडेटरी आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना होगा एयरपोर्ट पे अपॉन अराइवल, यानी इंडिया आने के बाद उनको टेस्ट कराना लाजमी है, ज़रूरी है। तो ये डिटेल में स्टेटमेंट क्या है वो आज हम इस वीडियो में देंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन आपको शो हो रहा है ब्लैक कलर में, उस पर जल्दी से क्लिक करते हैं। तो चलिए उस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है मैंडेटरी आरटीपीसीआर टेस्ट फॉर अराइवल्स फ्रॉम चाइना फॉर मोर नेशंस अमिड कोविड वरी, यानी जो कोई भी चाइना और उसके अलावा और चार कंट्रीज़ हैं वहाँ से जो कोई भी आ रहा है, चाहे वो इंडियन सिटीज़न हो या टूरिस्ट हो, जो भी हो या उस कंट्री का सिटीज़न हो, तो ये चाइना और उसके अलावा चार और कंट्री से जो भी ट्रैवल कर रहा है इंडिया को, तो उसको आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना होगा इंडियन एयरपोर्ट्स पे, इंडियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे आने के बाद। तो और चार कंट्री कौन से हैं वो आज हम अभी देखेंगे इसके वीडियो में। आरटीपीसीआर टेस्ट विल बी मैंडेटरी फॉर दोज अराइविंग फ्रॉम चाइना है वन, सेकेंड है साउथ कोरिया, थर्ड है जापान, फोर्थ है थाईलैंड और नेक्स्ट नहीं दिया नाम उसमें, सिर्फ चाइना, साउथ कोरिया, जापान है, थाईलैंड का नाम है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मानसुख मांडविया सेड ऑन सैटरडे एज द गवर्नमेंट टेक स्टॉक ऑफ प्रिपेयरनेस टू चेक द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। दिस कम्स ए डे आफ्टर द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हेल्ड ए मीटिंग विद स्टेट मिनिस्टर टू डिस्कस द करेंट सिचुएशन, यानी जो सिचुएशन है करेंट सिचुएशन उन कंट्रीज में, तो उसके बेस पे ये डिसीजन लिया गया है। और एयर सुविधा के बारे में भी एक स्टेटमेंट दिया गया, देखिए द एयर सुविधा फॉर्म्स फिलिंग टू डिक्लेयर करेंट हेल्थ स्टेटस शैल ऑल्सो बी मेड मैंड कंपलसरी फॉर इंटरनेशनल पैसेंजर अराइविंग फ्रॉम दीज कंट्रीज, यानी ये जो चार कंट्री के नाम अभी लिए हमने, चाइना है, जापान है, चाइना, जापान और साउथ कोरिया, थाईलैंड, इन कंट्री से जो भी आ रहा है उसको एयर सुविधा में अब फॉर्म फिल करना होगा, जो पहले करते थे कुछ मंथ्स पहले, जो सऊदी इंडियन गवर्नमेंट ने हटा दिया था, लेकिन अभी वो मैंडेटरी कर दिया गया है जो कोई भी ट्रैवल कर रहा है इन चार कंट्रीज से। एयर सुविधा फॉर्म फिलिंग टू डिक्लेयर करंट हेल्थ स्टेटस शैल ऑल्सो बी मेड कंपलसरी फॉर इंटरनेशनल पैसेंजर अराइविंग फ्रॉम दिस कंट्रीज। द एयर सुविधा सर्टिफिकेशन फॉर्म इज अ डिजिटल हेल्थ एंड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दैट इज करंटली रिक्वायर्ड फ्रॉम ऑल ट्रैवलर्स हु विश टू एंटर इंडिया, यानी जो कोई भी इंडिया एंटर करना चाहता है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आना चाहता है, तो उसको एयर सुविधा फॉर्म फिल करना होगा और उसके बाद इंडिया आने के बाद उसको आरटीपीसीआर टेस्ट कराना होगा। अगर आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव है तो वो जा सकते हैं, अगर पॉजिटिव है तो उनको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा एयरपोर्ट से ही। एयर सुविधा पोर्टल टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर पैसेंजर अराइविंग फ्रॉम चाइना, जापान, साउथ कोरिया, हांगकॉन्ग एंड थाईलैंड, यहाँ पे थाईलैंड भी आ गया है इसमें, टोटल पांच कंट्रीज आ गए हैं। आरटीपीसीआर टू बी मैंडेटरी फॉर देम आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, इफ दे टेस्ट पॉजिटिव दे विल बी क्वारंटाइन, यानी अगर उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो उनको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, ये यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।